नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन स्पिरिचुअल में और मैं हूं आपके साथ श्रुति। रोजाना की तरह हम फिर से हाजिर हैं अपना स्पेशल प्रोग्राम आज का राशिफल लेकर, जहां हम आपको बताते हैं आज का दिन आपका किस प्रकार से बीतने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं। बता दें आपको, राशिफल का हमारे जीवन में विशेष महत्व होता है, बहुत महत्व होता है राशिफल का मनुष्य के जीवन में। राशि के अनुसार व्यक्ति के स्वभाव और भविष्य से जुड़ी कई जानकारियाँ प्राप्त की जा सकती हैं। ग्रह गोचर और नक्षत्र की चाल के आधार पर ही राशिफल का निर्माण किया जाता है। ग्रहों की चाल हमेशा बदलती रहती है, इसलिए हमारे दैनिक जीवन में घट रही घटनाएं भी हमेशा समान नहीं होती। आज 11 नवंबर मंगलवार का शुभ दिन है और आज महाबली हनुमान की कृपा कुछ राशियों पर होने वाला है, जिससे इनका भाग्य खुल जाएगा। तो चलिए बताते हैं कि आज आपकी राशि क्या कहती है। इसके लिए देखिए हमारा ये राशिफल वीडियो पूरा। चलिए बात करते हैं मेष राशि वालों की। तो चलिए शुरुआत करते हैं और बताते हैं सबसे पहले मेष राशि वालों के लिए आज का दिन किस प्रकार रहेगा। आज दिन भर व्यस्तता बनी रहेगी। अब तक जो भी निवेश किए हैं उनमें आशातीत लाभ भी होगा। आप कुछ ऐसे भी कार्य करेंगे जिससे आपकी रचनात्मक सामने आएगी। त्योहार विशेष की तैयारी में भी समय व्यतीत होगा। अगर आप व्यवसाय संबंधी कुछ परिवर्तन करने की योजना बना रहे हैं या स्टाफ नौकरी आदि में परिवर्तन की सोच रहे हैं तो यह बिल्कुल सही समय है, परंतु अपरिचित लोगों से व्यवहार करते समय कुछ सावधान रहना आवश्यक है। पारिवारिक सहयोग ना मिलने की वजह से जीवन साथी की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है। युवा वर्ग अपने प्रेम संबंधों के प्रति गंभीर रहेंगे। अपनी नियमित जांच अवश्य करवाएं। गरिष्ठ तथा तला भुना भोजन खाने से परहेज करें। चलिए बात करते हैं वृष राशि वालों की। समय बहुत ही उचित, कड़ी मेहनत व कठोर परिश्रम से एक के बाद एक उपलब्धियां हासिल करने में सक्षम रहेंगे। कहीं समारोह में भी शामिल होने का अवसर मिलेगा। संपत्ति संबंधी कार्यों को करने के लिए आज का दिन बहुत ही शुभ है। कार्य क्षेत्र में आज कामकाज का अतिरिक्त दबाव रहेगा तथा कुछ रुकावटें भी आएंगी, लेकिन आप अपनी बुद्धि व योग्यता के बल पर समस्याओं का हल निकालने में सक्षम भी रहेंगे। पार्टनर या किसी सहकर्मी से छोटी सी बात पर मतभेद की स्थिति बन सकती है। अत्यधिक कामकाज के बावजूद आपकी पहली प्राथमिकता आपका परिवार ही रहेगा, परंतु विवाह योग्य जातकों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अत्यधिक मेहनत की वजह से स्वास्थ्य में गिरावट आएगी, मानसिक रूप से भी थकान रहेगी। चलिए बात करते हैं मिथुन राशि वालों की। गुरुजन तथा बड़े बुजुर्गों का स्नेह एवं आशीर्वाद प्राप्त होगा। पिछले कुछ समय से आपने जो मेहनत की है वह रंग लाएगी। अध्यात्म तथा नैतिकता से जुड़े मामलों पर आपका विशेष ध्यान रहेगा। शादी विवाह से संबंधित कार्यों में भी व्यस्तता बनी रहेगी। युवाओं को जॉब में करियर संबंधी समाचार मिलेगा। किसी बड़े अधिकारी या राजनीतिज्ञ से मुलाकात, आपके कई काम आसान हो जाएंगे, परंतु कई मामलों में आपका स्वाभिमान ही आपकी उन्नति में बाधक भी बन सकता है। नौकरी में बॉस व अधिकारियों के साथ संबंधों में गिरावट ना आने दें। दांपत्य संबंधों में यदाकदा तनाव की स्थिति बन सकती है, लेकिन समय रहते आप उनको सुलझाने में भी सफल रहेंगे। प्रेम संबंध आपकी बदनामी का कारण बन सकते हैं। कामकाज में अत्यधिक मेहनत व परिश्रम का असर स्वास्थ्य पर पड़ेगा। कुछ समय अपने आराम के लिए भी निकालना अति आवश्यक है। चलिए बात करते हैं अगली राशि कर्क राशि वालों की। कुछ परेशानियां तो सामने आएंगी, परंतु आप मेहनत व परिश्रम से सभी प्रकार की नकारात्मक परिस्थितियों को सकारात्मकता में परिवर्तित कर लेंगे। भविष्य संबंधी भी कुछ योजनाएं बनेंगी। कुछ ज्ञान वर्धक साहित्य पढ़ने में भी समय व्यतीत होगा। व्यापार में आज कुछ मुश्किल और परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। दोपहर बाद परिस्थितियां कुछ अनुकूल हो जाएंगी। धन प्राप्ति के स्रोत प्रबल होंगे, परंतु कैश हाथ में रखने की बजाय कहीं इन्वेस्ट करेंगे तो उचित रहेगा। बॉस की डांट फटकार भी सुननी पड़ सकती है।
संतान की शिक्षा अथवा करियर से संबंधित कोई समस्या हल होने से घर में सुकून भरा वातावरण रहेगा, परंतु किसी अन्य व्यक्ति के कारण पति पत्नी में तनाव उत्पन्न हो सकता है। गलत खान पान व दिनचर्या का नकारात्मक प्रभाव स्वास्थ्य पर पड़ेगा। इस समय स्वास्थ्य संबंधी नियमों का पालन करना अति आवश्यक है। चलिए बात करते हैं अगली राशि सिंह राशि वालों की। आज धार्मिक क्रियाकलापों में व्यस्तता रहेगी। किसी धार्मिक यात्रा का भी योग बन रहा है। भाइयों के साथ संबंध सौहार्दपूर्ण रहेंगे। पुराने तनाव से मुक्ति मिलेगी। बच्चों का उनके सुख सुविधाओं संबंधी वस्तुओं के लिए शॉपिंग का भी मूड बन सकता है। कारोबारी हालात सुधरेंगे। व्यापार में विस्तार संबंधी जो योजना बनाई है उनमें छोटी छोटी परेशानियां आएंगी, परंतु आप पूर्ण करने में सफल रहेंगे। अफसरों के साथ आपके रिश्तों में सुधार आएगा। सहकर्मी व सहयोगियों के साथ आपका सहयोगात्मक रवैया रहेगा। जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर नाराजगी रह सकती है, परंतु ध्यान रखिए कि घर की बातें बाहर ना निकलें। व्यर्थ की गतिविधियों में अपना समय नष्ट ना करें। स्वास्थ्य ठीक रहेगा, परंतु माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रह सकती है, इसलिए लापरवाही बिल्कुल ना बरतें। चलिए बात करते हैं अगली राशि कन्या राशि वालों की। सरकारी कार्यों को पूरा करने के लिए दिन उत्तम है। विरोधियों की योजनाओं को ध्वस्त कर अच्छे परिणाम व प्रशंसा भी हासिल करेंगे। लोग आपसे स्वयं के निजी मामलों में सलाह मशविरा भी लेंगे। कुल मिलाकर समय पूर्णतः आपके पक्ष में है, इसका बेहतरीन सदुपयोग करें। व्यवसाय में कुछ ठोस और खास फैसले लेने की जरूरत है। महत्वपूर्ण लोगों के संपर्क से आपके कार्य बनेंगे। नौकरी में पदोन्नति की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। ऑफिस में माहौल और परिस्थितियां आपके पक्ष में बनी हुई हैं। पारिवारिक वातावरण सौहार्दपूर्ण रहेगा और परिवार में किसी नए मेहमान का आगमन भी हो सकता है। किसी पुरानी चल रही शारीरिक समस्या में सुधार होगा तथा आप ऊर्जावान व स्वस्थ महसूस करेंगे। चलिए बात करते हैं अगली राशि तुला राशि वालों की। दिन सुकून भरा रहेगा। सभी काम सुचारू रूप से संपन्न होने से आप बहुत रिलैक्स व प्रसन्नचित रहेंगे। आपको अचानक ही कोई उपलब्धि या धन भी प्राप्त हो सकता है। आय बढ़ने से जीवन के प्रति आपका दृष्टिकोण और अधिक बेहतर होगा। व्यवसाय में आज लंबित कार्यों को निपटाने के लिए समय उत्तम है। कर्मचारियों तथा सहयोगियों के सहयोग द्वारा काफी समस्याओं का हल निकालने में सक्षम भी रहेंगे। बॉस तथा वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संबंध मजबूत होंगे। घर और व्यवसाय में बेहतरीन सामंजस्य बना रहेगा, जिससे पारिवारिक वातावरण खुशनुमा रहेगा। परिवार तथा दोस्तों के साथ गेट टुगेदर भी रहेगी। आज स्वास्थ्य संबंधी कोई दिक्कत उत्पन्न हो सकती है। मौसमी बदलाव की वजह से थकान और कमजोरी रहेगी। चलिए बात करते हैं अगली राशि वृश्चिक राशि वालों की। आज आप अपनी वह उपलब्धि हासिल कर पाएंगे जिसकी आपने कभी कल्पना की थी। आर्थिक मामलों पर और अधिक गंभीरता पूर्वक विचार होगा। सामाजिक व पारिवारिक मान सम्मान भी बना रहेगा। नजदीकी लोगों के साथ भेंट व मुलाकात का सिलसिला भी रहेगा। व्यावसायिक गतिविधियों में काम आधे अधूरे रह सकते हैं, इसलिए लापरवाही बिल्कुल ना करें। नौकरी में आपकी किसी गलती की वजह से बॉस व अधिकारी की नाराजगी भी झेलनी पड़ सकती है। आर्थिक गतिविधियों पर और अधिक गंभीरता पूर्वक को विचार करने की आवश्यकता है। पति पत्नी के मध्य आपसी संबंधों में प्रागढ़ता आएगी। प्रेम संबंधों को भी विवाह में परिणत होने के उत्तम योग बन रहे हैं। यूं तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन मौसम में बदलाव के कारण सभी सावधानियां भी बरतनी चाहिए। चलिए बात करते हैं अगली राशि धनु राशि वालों की। आज किसी भी दुविधा की स्थिति में अनुभवी लोगों की मदद कारगर साबित होगी। आपकी आशाएं व उम्मीदें परवान चढ़ेगी। ससुराल पक्ष के साथ संबंध और अधिक मधुर होंगे। माता पिता की भी सेवा शुश्रूषा में भी समय व्यतीत करने से अच्छा महसूस होगा। व्यवसाय में कर्मचारियों का पूर्ण सहयोग रहेगा। चलिए बात करते हैं अगली राशि मकर राशि वालों की। समय अनुकूल है। आपकी सकारात्मक सोच आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी। घर में शुभ और मांगलिक कार्यों की योजना बनेगी तथा लोगों से मेल मुलाकात का दौर जारी रहेगा। कोई नया वाहन खरीदने के भी योग बने हुए हैं। आज व्यवसाय संबंधी कामों को सावधानी से पूरा करें। चलिए बात करते हैं अगली राशि कुंभ राशि वालों की।
किसी मित्र की सलाह आपके भाग्य को चमका सकती है। बच्चों व परिवार के लिए कोई महत्वपूर्ण कदम भी उठाएंगे। रचनात्मक कार्यों में भी कुछ समय व्यतीत होगा। त्योहारों की तैयारियों में भी व्यस्तता रहेगी। चलिए बात करते हैं अगली राशि मीन राशि वालों की। आज समय आपको अचानक ही कोई उपलब्धि हासिल करवा सकता है। प्रकृति के साथ कुछ समय व्यतीत करने और मौसम का लुत्फ उठाने का मौका मिलेगा। पढ़ाई कर रहे विद्यार्थी समय पर अपना पूरा काम करने में सक्षम रहेंगे। जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। नेक्स्ट नाइन स्पिरिचुअल से श्रुतिक रिपोर्ट।